दिगंबर जैन महासमिति छत्तीसगढ़ अंचल द्वारा पूज्य मुनिश्री के पावन स्मरण में उनकी आरती एवं वृक्षारोपण आदि कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस अवसर पर श्री दिगंबर जैन महासमिति की ओर से कोरोना काल में 1008 मास्क वितरण का कार्य प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में अंचल के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार जैन, विश्व परिवार श्री अजीत जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्री सुरेश मोदी, श्री प्रियेश जैन, श्री प्रसंग जैन, श्रीमती मीना जैन, श्रीमती मेघना जैन, श्रीमती मंजू मोदी आदि ने उत्साह से आयोजन में सम्मिलित होकर मुनिश्री के चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित की। अपनी आरती झिलमिल झिलमिल आकर के बने गुरु जी सारथी, जिनमें गुरु देव की करते हैं आरती। आरती की थाल में गुरु को निहारती, झिलमिल झिलमिल आकर के बने गुरु जी सारथी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जी महाराज की, जंगल वाले बाबा की जय। जय जय। जंगल में रह करके धर्म की प्रभावना की और स्वयं का कल्याण किया। उन्होंने लाखों लोगों को व्यसन मुक्ति के मार्ग पर चलाया और वो एक ऐसे संत हुए जिन्होंने की दूर सुदूर जंगलों में जा करके आराधना करके अपनी आत्मा का कल्याण किया। रावत भाटा क्षपकराज मुनिश्री चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा के अवतरण दिवस के पावन अवसर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। ग्राम बगोदा, जहां जंगल वाले बाबा ने वर्ष 2008 का चातुर्मास संपन्न किया था और बगोदा ग्राम के पास के जंगलों में कठोर साधना की थी। यहां ग्रामीण आदिवासी भाई उसी समय से पूज्य गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन उनकी सुबह जंगल वाले बाबा से होती है और रात्रि भी जंगल वाले बाबा से होती है। बाड़ी जिला रायसेन मध्य प्रदेश परम पूज्य परम तपस्वी मुनिश्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा का मंगल चातुर्मास 2012 बाड़ी जिला रायसेन मध्य प्रदेश में हुआ था। जंगल वाले बाबा के जन्म दिवस के अवसर पर बाड़ी के पास पीपलवाड़ी गांव के आदिवासी भाइयों ने जंगल में जाकर जहाँ महाराज के आहार होते थे वहाँ महाराज के चरण विराजमान है उस चट्टान पर जाकर उन्होंने चरण का अभिषेक किया। तेंदुखेड़ा में परम पूज्य जंगल वाले बाबा के जन्मदिन के अवसर पर नगर में हर सिद्धि मंदिर प्रांगण में पारिजात और नीम के दो वृक्षों का रोपण किया गया। ग्राम बगोदा जिला महू इंदौर में आदिवासी ग्रामीण जंगल वाले बाबा की पूजा भक्ति करते हुए सहजपुर MP में महाराज श्री के नाम से शांति धारा की गई। कुचामन सिटी राजस्थान में श्री चिरंजीलाल अशोक कुमार पटौदी ने महाराज के जन्म दिवस पर गौशाला में गायों को चारा दान दिया।
आदिवासी धार एमपी। श्री अनिल जैन हिंगोली महाराष्ट्र। श्री अशोक जी, श्रीमती ममता जी खाकसी वाला समोशरण ग्रुप इंदौर। गुरुदेव एक अलौकिक वास्तव से परिपूर्ण मानव थे, जो कि समाज के हित के लिए ही सोचते थे और समाज के लिए ही कार्य करते थे। आपने कई लाख अजीब लोगों को मांस और मदिरा का त्याग कर जैन धर्म की ओर अग्रसर किया व उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। गुरुदेव का वर्ष 2007 में कंचनबाग इंदौर में चातुर्मास समाज के लिए एक बहुत सौभाग्यपूर्ण रहा, जिसमें एक भव्य संसदन का निर्माण करवाया। वह समाज के असहाय विपन्न लोगों की सहायता के लिए चिकित्सा व शिक्षा तथा मार्गदर्शन हेतु समर्शन भवन ट्रस्ट की स्थापना करवाई, जो विगत 13 वर्षों से सतत कार्य कर रहा है व जिससे संपूर्ण समाज को लाभ पहुँच रहा है। हम सब समाजजन गुरुदेव को बारम्बार नमस्तु करते हैं। जय जी। ग्रामीण आदिवासियों द्वारा मुनिश्री के चरण मंदिर बागोदा में पूजा एवं आरती की गई। ग्राम बगोदा इंदौर एमपी। पंडित भरत जी शास्त्री
वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य इंदौर। मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की जय। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज का अवतरण दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। उन्होंने समाज हित के जो कार्य किए हैं, श्रावकों के हित में जो कार्य किए हैं, वो वास्तव में अनुकरणीय है। श्री तल्लीन बड़जात्या इंदौर। जैसा कि आज हम सभी को विदित है, मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जगदग वाले बाबा का आज धरा अवतरण दिवस है, जो कि पूरे देश में उनके अनुयायियों और समग्र जैन समाज के द्वारा मनाया जा रहा है। हमारे दो शहर के लिए ये बड़ा हर्ष का विषय था कि 2006 में मुनि श्री का चातुर्मास इंदौर में हुआ और तब से ही मुझे उनके सानिध्य में लगातार रहने का अवसर प्राप्त हुआ। जब से मुनिराज का यहाँ पे चातुर्मास हुआ है, उसके पश्चात ही उनकी तप और साधना के माध्यम से हमने यह देखा है कि जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ कोई न कोई अपना प्रभाव छोड़ के जाते हैं और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यह चमत्कार है। यह चमत्कार नहीं, यह मात्र उनकी तप और साधना का प्रभाव है जो हमें यत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देता है। इंदौर शहर में जब से उनका चातुर्मास हुआ है, किसी न किसी रूप में उनकी सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियाँ लगातार चल रही है। उसी श्रृंखला में उनके देहावसान के पश्चात इंदौर शहर के ग्राम बगोदा में एक चरण मंदिर का निर्माण किया गया है, जहाँ पर कि आसपास के सभी श्रद्धालु दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं। वहाँ के आदिवासी भाइयों की बहुत आस्था उनके बीच जुड़ी हुई है। उनके कहने से ही उन्होंने मांस मंदिर आदि का त्याग किया था। साथ ही अभी अभी इंदौर शहर में उन्हीं के इच्छानुसार एक गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया गया है, जिसमें कि कन्याएं IAS और IPS की शिक्षा ग्रहण करने के लिए रहती हैं। इसी प्रकार बहुत सारी आयाम उन्होंने स्थापित किए हैं इंदौर शहर में, उनके मार्गदर्शन में हुए हैं और बहुत जल्द ही यहाँ पर एक इंदौर में चिकित्सालय प्रारंभ मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज की आशीर्वाद से चिन्मय सागर चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसी प्रकार जब भी मुनि श्री के साथ में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, उनका आशीर्वाद मुझे, इंदौर शहर को और मेरे परिवार को हमेशा प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर हम सब